मयि देवी सर्वं देवी मयं जगत्। आज देवी ने अपना एक अंश दिखाया है, उनके पांव के ये निशान मेरे उनके बीच एक और पर्दे के हटने की तरह है। She's testing me, Bhavni. She wants me to try harder and I will. थोड़ा तप और फिर वो खुद को साकार करेंगी मेरे सामने। कैसा तप देवगुरु? देवी दर्शन दे चुकी हैं। लेकिन जिन आंखों को इंतजार है उन्हें तो नहीं दिखाई दी ना वो। तो फिर एक और तप, एक और परीक्षा देनी होगी। और इस बार मैं ऐसी आराधना करूंगा कि वो अपने भक्त से कभी दूर नहीं रह पाएंगी। उन्हें आना ही होगा। चल, मैं तुझे एक छोटी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। पिछली बार मैं तुझे रोक नहीं पाया था, लेकिन इस बार I won't give up on you. बर्थडे और ये डॉल मेरी तरफ से गिफ्ट, ये घर उस गुड़िया के लिए। घर से बाहर निकली हो तो थोड़ा हाथ पैर मारो यार। अब हाँ के लिए सर मत हिलाओ, मुंह से बोलो। अगर किसी को तुम सच में थैंक्स कहना चाहती हो तो उसके लिए कुछ ऐसा करो जो उसे अच्छा लगे। जैसे मैं तुम्हारे पापा के लिए ये स्वेटर बुन रही हूँ, इन हिज फेवरेट ब्लू कलर, समझे? ओके मम्मा। गाओ ना। अरे गाओ ना शांति। फिर से नाम लिया। अच्छा मम्मी खुश? अब वो वाली लोरी गाओ जो मुझे सुनाती थी। ये अचानक से आज तुमको लोरी सुनने का मन कैसे करने लगा योगी जी? अरे अब मार पिटाई तो खाता ही रहता है ना, तो आज थोड़ा प्यार पाने का मन कर रहा होगा। लेकिन ये लोरी ओरी का आइडिया ना एकदम झूल है बेटा, काहे कि तुम अब थोड़े बड़े हो गए हो, कुछ नया आइडिया सोचो। हाँ दीदी यार, तुम टाढ़े से बड़ी हो गई हो। बाकी इतना भी नहीं पता कि माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। खैर अब माँ बेटे के बीच में जरा चुप रहो और शांति को शांति से गाने दो। शांति स्टार्ट। पर तुम इसे टेप काहे कर रहे हो? अपनी वो दोस्त नकचड़ी अकड़ू के लिए कर रहा हूँ, उसकी मम्मी नहीं है ना। मैं ये रिकॉर्डिंग उसे दूंगा, तुम्हारी आवाज सुनकर उसे भी मेरी तरह अच्छी नींद आएगी। चलो गाओ अब, और अब बीच में मत बोलना। आओ। आओ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, आओ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, मिलती है जहां खुशियां परियों के भेस में, परियों के भेस में। आओ लेके चलूं तुझको। हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो न छूटे हर बात है बड़ी, रातों की सुर से निकले सुबह की रंगीनी। लोरी तुझे सुनाऊं, लोरी तुझे सुनाऊं,
बचपन एक में लूरी तुझे सुनाऊं, बचपन की एक में मिलती है जहां खुशियां परियों के भी सुनी, मिलती है जहां खुशियां परियों के भी सुनी, परियों के भी सुनी। ठीक हो रही है ओम, हमको इसको देख के ऐसा लगने लगा है कि हमें ना कोई बीमारी हो जाए। बहुत टेंशन हो रही है, अब इसको ना बीमार रखने के लिए कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। प्रेरणा प्लीज ज़ियारा, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। शिवराज एक छोटी सी लड़की को देवी बनाना चाहता है, और अगर तुम बाल सेवा केंद्र वाले हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आई नो, पर हम इसके अलावा और कुछ भी तो नहीं जानते संजय। आई मीन लड़की कौन है, कहाँ से है, उसके पेरेंट्स कौन है, और कहीं ये सब उसके पेरेंट्स की मर्जी से तो नहीं हो रहा। तो अगर उसके पेरेंट्स की मर्जी से भी हो रहा तो भी क्या, प्रेरणा जो गलत है सो गलत है, हमें रोकना चाहिए उसे। आई अंडरस्टैंड संजय, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी, पर ये लड़ाई आसान नहीं है। देवगुरु के फॉलोअर्स में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन हैं, और वैसे भी लोग इतनी आसानी से अपनी आस्था और यकीन के सिंबल को टूटने नहीं देंगे। You're right. मैंने उसके फॉलोअर्स को देखा, जरा सा कुछ कह दो देवगुरु के खिलाफ तो मरने मारने पर आ जाते हैं। अब ये लड़ाई दो दोस्तों की नहीं है बल्कि दो सोच की है। मुझे सिर्फ उस लड़की को नहीं बचाना है बल्कि अपने दोस्त शिवराज को उसके पागलपन से बाहर निकालना है। देवगुरु क्या करने वाले हैं मैडम? तुम्हें पता चल जाएगा तो बता देना हमें भी। कौन से दुख की बात कर रहे हैं, कहीं फिर से वो जल समाई तो नहीं ले लेंगे? मेरी देवी प्रयाग में है, इसलिए यह जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं। मैं देवी के इन फुटप्रिंट्स को लेकर बिना अंजल के, बिना रुके पूरे प्रयागराज की प्रदक्षिणा करूंगा। पूरे प्रयागराज की प्रदक्षिणा, वो भी बिना कुछ खाए पिए? आप ऐसा नहीं कर सकते देवगुरु, इट्स वेरी डेंजरस। मेरी हेल्थ की फिक्र छोड़ो भावनी, और उस पल के बारे में सोचो जब देवी हमारे सामने होंगी। व्हाट अ मोमेंट! उस पल के बारे में सोचकर ही एक नई एनर्जी आ जाती है मुझमें। देवी को पाने की उम्मीद हर तकलीफ और हर खतरे से बहुत बड़ी है। इस तप के बाद देवी मुझे जरूर मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे। शाम को मैं तुम्हें घंटा घर लेकर जाऊंगा, हम और मस्ती करेंगे। ओहो गुलाबर रानी, नजर ना लगे, बहुत बुट्टी फूल लग रही हो। अब पेट में भी कुछ डाल लो तो चेहरे पे रौनक आ जाएगी। ये देखो तुम्हारे लिए स्पेशल चॉकलेट बनाया है, चलो तुम्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। हाँ ये लो, ये चॉकलेट खाओ,
खाओ खाओ, सब तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत प्यार से बनाए हैं। ओम भैया के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, सब खा जाना। अब हम जा रहे हैं, सारा चॉकलेट खत्म कर देना, ठीक है? जानते हो इतिया के चॉकलेट में ना भर भर के मूंगफली मिला दिए हैं। और तुमको तो पता ही है कि मूंगफली खाने से उसको कितनी एलर्जी होती है, पूरे शरीर में लाल लाल रेशे आ जाते हैं, खुजली तो भयानक होती है। अब पंकज भैया से ना हम साफ साफ कह देंगे कि कोनो गुरु देवता पीतर का चमत्कार काम नहीं आ रहा। इतिया ऐसा ही थी, हाँ ऐसा ही है और ऐसे ही रहेगी। गुड जॉब मम्मी, मीनिंग मेरे साथ रह के तुम भी स्मार्ट हो रही हो। कुछ पाने का सपना ना बेटा स्मार्ट बना देता है, बाकी एक दिन स्मार्ट बनने से ना कुछ नहीं होगा, इस पर हमेशा धार चढ़ानी पड़ेगी। आई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाना जी का है और इस पे तुम्हारा अधिकार है, बाकी इसको पाने के लिए इतिया को बीमार रखना बहुत ही जरूरी है। अकेले अकेले चॉकलेट मुझे भी दो। क्या बात है इती, आज बड़ी अच्छी लग रही हो। तिवारी की खिलौने की दुकान पे एक बहुत महंगी गुड़िया है, तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो, एकदम धासू। मतलब खूबसूरत? नहीं, खूबसूरत तो मैं हूँ, तुम सिर्फ अच्छी लग रही हो। लड़के खूबसूरत ही हैंडसम होते हैं। ये लो। ये क्या? कॉपी पेपर देखकर मुझे टेंशन आ जाता है, तुम लिखने पढ़ने के मूड में हो? स्टुपिड हो तुम, ये कार्ड है। युग सही है, मेरे लिए कुछ तो किया तुमने। वैसे तुम मुझे फूल के जगह मेंढक या गैलरी बनाकर देती तो मैं ज्यादा खुश होता। लेकिन ये भी अच्छा है, थैंक यू। और सुनो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, शांति की मतलब मेरी मम्मी की आवाज में तुम्हारे लिए लोरी, जब नींद ना आए तो सुन लेना। ऐसे फॉरवर्ड, ऐसे रिवाइंड और ऐसे प्ले करना, खराब ना कर देना, बस इतना तो कर सकती हो ना, या इसके लिए भी नौकर चाहिए? अब तैयार हो गई हो तो घंटा घर चले करू, अभी तो सुबह से ज्यादा मस्ती करनी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।